हेलो एंड वेलकम टू द स्टडी वीजा शो। मैं हाँ थोड़ी होस्ट सिमीत, मेरे नाल ने लैंडमार्क इमीग्रेशन दे डायरेक्टर और एजुकेशन एक्सपर्ट जसमीत भाटिया जी। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 12 CBSE दे एग्जाम्स एक बार फिर तो पोस्टपोन हो गए ने, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए ने, जाहिर तौर पर रिजल्ट भी लेट ही आएगा। तो यहोजी सीन छे जो स्टूडेंट्स फॉरन जाना चाहते सी उन्होंने की करना चाहिए, किस तरह का प्रभाव उन्होंने पेगा, जान दें जसमीत जी तो। सी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जोड़े इस साल 12वीं के एग्जाम देंगे या ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे, ड्यू टू शार्प कोविड राइज इन इंडिया। सो सरकार सोच रही हैं कि जो 12वीं के एग्जाम है पोस्टपोन कर दिए जाए, एंड वी डोंट नो कि वैन द एग्जाम्स विल हैपन, वैन द रिजल्ट विल बी आउट। सो स्टूडेंट्स आप ख्याल रखना बहुत सारिया चीज़ों का, जे तुम बाहर जाने की तैयारी खिंच ली है और मन बना लिया कि तुम बाहर जाके ही पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रखना पैना जे तुम हूँ 12वीं तो बाद हूँ बाहर जाना चाहते हो। सो मोस्ट प्रॉबली सितंबर 21 च 12वीं वाले बच्चे नहीं जा पाएंगे, जे होर डिले होंदा CBSE दे 12वीं दे एग्जाम्स दे विच। सो उन्होंने January 22 ही लेना पेगा, और मैनू देखने से मिल रहा है कि किन्ना डिले होंदा, कि यह ना हो कि January 2022 भी 12th दे स्टूडेंट ऐतकी मिस कर जाण। सो जे तुसी नहीं मिस करना चाहते तो बहुत सारिया चीज़ों का तुहानू ध्यान रखना पैना। जी बिल्कुल, तो केड़ी-केड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पैना, की ऑप्शनस है 12th दे स्टूडेंट्स वास्ते? सी ऑप्शनस आर अनलिमिटेड। सी राइट नाउ स्टूडेंट्स नूं ये ध्यान देना चाहिए कि जो पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं तो उस टाइम नूं असीं चंगी तरह यूटिलाइज करिए और आईलैट्स की तैयारी कर लईए। सो आईलैट्स एग्जाम की असीं तैयारी कर लईए उस समय दे विच जे साडे एग्जाम्स डिले हो रहे। मैनूं बहुत सारे स्टूडेंट मिल के गए हैं जिन्हां दे 12वीं दे एग्जाम इस साल च हैं और उन्होंने ऑलरेडी आईलैट्स कर ली हुई है। सो जे तुसीं नहीं कीती है तो आईलैट्स का एग्जाम इस समय दे अंदर अंदर दे दो, कि यह ना हो कि जो आईलैट्स के एग्जाम है वह भी हमने बंद हो जाए जिमें जी कर्व है कोविड की बढ़ती जा रही है। सो मेरी सारे स्टूडेंट्स एडवाइस है कि आईलैट्स की तैयारी असी खिंच लीए और आईलैट्स कर लीए। सो जे तुम सेंटर नहीं जाना चाहते तो घर बैठे भी तुम आईलैट्स की तैयारी कर सकते हो। लैंडमार्क इमीग्रेशन का पोर्टल है जिसका खर्चा सिर्फ 7500 रुपया, और साल लिए उस पोर्टल पर पढ़ाई कर सकते हो, मॉक टेस्ट कर सकते हो, अपने रिजल्ट देख सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सो डेफिनेटली बड़ा अफोर्डेबल है, क्योंकि कॉस्ट इज ओनली 7500 रुपीज फॉर अ ईयर। सो तुम उत्ते बैठ के घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो और अपना आईलैट्स का एग्जाम कर सकते हो। सो दूजी चीज़ है जिसे जे सानू समा मिल रहा है, पोस्टपोन हो रहे हैं एग्जाम्स, तो सानू अपनी पढ़ाई ते पूरा जिन्हों कहते नंबर ज़्यादा लेने चाहिए हैं, मेहनत करनी चाहिए है ताकि जिनी परसेंटेज साड़ी ज़्यादा होएगी उन्ना वीज़ा सक्सैस रेट भी ज़्यादा होएगा। सो आईलैट्स के जिन्ने बैंड ज़्यादा होणगे उन्ना ज़्यादा वीज़ा सक्सैस रेट होएगा, जिनी साड़ी परसेंटेज ज़्यादा होएगी उन्ना ज़्यादा साड़ा वीज़ा सक्सैस रेट होएगा। सो इन सारिया चीज़ों का स्टूडेंट्स ध्यान रखन, और फ्यूचर जे तुम हूँ कैनेडा जाना चाहते हो तो तुम देखते हो कि January 2022 जाना चाहते हो तो आईलैट्स तुम हूँ ही करनी पेगी। जे तुम रिजल्ट तो बाद आईलैट्स करते हो तो May 2022 विल बी योर इनटेक, बट May 2022 लिमिटेड सीट्स होंगे, लिमिटेड कोर्सिस चलाते हैं कॉलेज, तो वह कई बार सानू कोर्स नहीं पसंद आता मई इनटेक च। सो दैन यू विल गो टू September 2022। सो य सारिया चीज़ों का स्टूडेंट्स को बहुत ही करीबी दे नाल ध्यान रखना पेगा। जी बिल्कुल, और बड़ी अच्छी गल कही कि पोर्टल है लैंडमार्क इमीग्रेशन का जिदे तो बहुत ही मिनिमल चार्जिज पूरे साल वास्ते पोर्टल अवेलेबल, जितों तुम घर बैठे आराम अपनी आईलैट्स की तैयारी कर सकते हो, बिकॉज बाहर निकलना शायद हले इन्ना ईजी नहीं है और बहुत रिस्की भी है, तो तुम घर बैठ के अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो और वधिया तो वधिया बैंड्स ले सकते हो। प्लस जे तुहानू कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुसी लैंडमार्क इमीग्रेशन दे ऑफिस च कॉल कर सकते हो, अपनी क्वेरी रख सकते हो, तुहाडी क्वेरीज दे तुहानू पूरे आंसर्स दिते जाणगे, तुहाडे सारे डाउट्स क्लीयर किए जाएंगे। लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना, जिदा कि जसमीत जी ने कहा कि अगर हुण एग्जाम्स हो जाते हैं तो जनवरी इनटेक कोशिश रहेगी कि जिहड़े स्टूडेंट जल्दी जाना चाहते उन्हां नू जनवरी इनटेक दे विच भेजिया जा सकता है। तुहाडा एडवाइस की है स्टूडेंट्स नू कि हुण स्टूडेंट्स तैयारी तो कर ही रहे हैं, नाल नाल बाय द चांस डेटशीट पोस्टपोन हो जा रही है, तो तुसी की एडवाइस करोगे स्टूडेंट्स? सी मेरी यही सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि देश की जो पोस्टपोन हो रही है CBSE की हूँ अनाउंसमेंट आई है, मोस्ट प्रोबेबली अदर स्टेट बोर्ड्स विल आल्सो फॉलो। सो स्टूडेंट्स घर बैठे हैं तो तैयारी बहुत स्ट्रोंग करन अपने आईलैट्स की और अपने जिहड़े पेपर होने हैं, जिहड़े भी सब्जेक्ट्स तुसीं ले हैं आर्ट्स कमर्स
नॉन मैडिकल मैडिकल उन्हां दे कोर्सेज नू अपना स्ट्रोंग कर लिए, खास करके कोर कोर्सेज नू। फिर तुसी घर बैठे जरूर सर्च कर सकते हो तुसी केड़ी जगह जाना चाहते हो, केड़े कॉलेज जाना चाहते हो, केड़े कोर्स जाना चाहते हो। कि ये रिसर्च जब असीं पहला करके रखिए तो बहुत फायदा होंदा है। फिर उसके बाद केड़े कंसल्टेंट थ्रू तुसी अप्लाई करना चाहते हो। सो इफ वी आर प्रिपेयर्ड विद एवरीथिंग दैन द प्रोसैस विल बी रियली स्मूथ। फिर जो असीं पेपर के रिजल्ट तो बाद सारिया चीज़ों की तैयारी करांगे तो फिर होर समा लग जाएगा। सो इन सारिया चीज़ों का तुसी ध्यान रखो, बल्कि विजिट कर सकते हो। अजकल बहुत सारे कंसल्टेंट्स ओपन हैगे हैं एंड तुसी विजिट कर सकते हो, साडे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो और एडवाइस ले सकते हो कि तुहानू की करना चाहिए, हाउ यू शुड गो विद ऑन योर विद योर एप्लीकेशन टू स्टडी अब्रॉड। सो दीज आर फ्यू की पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड। जी बिल्कुल, इन शॉर्ट टाइम जरा यूटिलाइज करना, यह नहीं सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो हूँ असं की करिए। टाइम रिसर्च वर्क से यूटिलाइज करो, अपने आयल्स की स्कोर में इंप्रूव करने वास्ते यूटिलाइज करो और अपने ट्वेल्थ के स्कोर में इंप्रूव करने वास्ते यूटिलाइज करो, तो बहर जाना होर भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जसमीत जी, थैंक यू वेरी मच, तुम शो च आए और इन्नी इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन दी। धन्यवाद।